दोस्तों, इमेज में जो आप एयरपोर्ट देख रहे हैं वो दिखने में आपको अदर एयरपोर्ट जैसा कॉमन दिख सकता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसके पास में ही 600 मीटर गहरी बेहद खतरनाक खाई है, जिसके कारण इस एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट कहा जाता है। ये वीडियो आपको दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताएगा जो आपको अब तक पता नहीं थी। दुनिया में तेजी से एयर ट्रांसपोर्ट बढ़ता जा रहा है, इसी के चलते न सिर्फ प्लेन की संख्या बढ़ रही है बल्कि बड़ी तादाद में नए नए एयरपोर्ट्स भी बनते जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम भारत के पड़ोसी देश नेपाल के एक ऐसे एयरपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हाल ही में दुनिया के 10 सबसे घटिया और खतरनाक एयरपोर्ट की लिस्ट में सबसे टॉप पे रखा गया है। नेपाल में समुद्र तल से करीब 2800 मीटर की ऊंचाई पर बनाया है एयरपोर्ट 1970 में खोला गया था। इसके निर्माण में एडमंड हिलेरी का अहम रोल रहा है, उन्हीं की एवरेस्ट ट्रस्ट ने इसे बनवाया था और इसका नाम रखा गया लुकला एयरपोर्ट। जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना चाहता है उसे लुकला एयरपोर्ट पर ही जाना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। अगर आप एयरपोर्ट पर नहीं जाना चाहते तो फिर 7 दिन तक आपको पैदल ही चलना होगा। समस्या ये आती है कि पायलट को रनवे पर उतरने के लिए पहाड़ की तरफ बढ़ना होता है क्योंकि रनवे की ढलान बेहद खतरनाक है और रनवे के आखिरी छोर पर एक बहुत ही गहरी खाई है। रनवे के दूसरे छोर पर 600 मीटर की गहरी खाई में गिरने का मतलब सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक मौत होता है, यानी कि प्लेन लैंडिंग करने से पहले या टेक ऑफ करने के बाद पायलट के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। नेपाल गवर्नमेंट ने जनवरी 2008 में इस एयरपोर्ट का नाम सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले शेरपा तेनजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी के नाम पर नजिंग हिलेरी रखा है। रनवे के दूसरे छोर पर 600 मीटर की खाई होने के चलते प्लेन लैंडिंग करने में काफी दिक्कत आती है क्योंकि पायलट को इस छोटे से रनवे पर समय रहते ही प्लेन के ब्रेक पर कंट्रोल करना होता है। कई हादसों के चलते अब यहाँ पर नए पायलट को प्लेन लैंड कराने की परमिशन नहीं दी जाती। ऐसे दर्जनों मामले हैं जब पायलट्स को खाई में गिरने से बचने के लिए प्लेन का मुंह मोड़ना पड़ा, इससे प्लेन का अगला हिस्सा दीवार से जा टकराया। ऐसे मामलों में अब तक कईयों की जानें जा चुकी हैं। दरअसल एयरपोर्ट पर अक्सर बादलों का डेरा या घना कोहरा छाया रहता है जिससे पायलट को काफी परेशानी होती है और यही वजह दुर्घटना का सबब बनती रही है। इन्हीं कुछ वजहों के कारण नेपाल के इस एयरपोर्ट ने दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट होने का टाइटल अपने नाम कर रखा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके इस वीडियो को देखने का मकसद पूरा हो चुका होगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।